चलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और आप इंस्टाग्राम पर किसी से चैटिंग कर रहे हैं, चाहे आपका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड या कोई भी पर्सन हो, आप किसी पर्सन से चैटिंग कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपने एक चीज़ जरूर नोटिस किया होगा कि जैसे वहाँ से मतलब उधर से मैसेज आता है अपने चैटिंग में, और हम जैसे मैसेज को मतलब रीड करते हैं तो उस पर्सन को पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे सीन लिख देता है, उससे पता चल जाता है कि आपने उस पर्सन का मैसेज को रीड कर लिया है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम उस पर्सन का मैसेज को रीड भी कर लें और उसको पता भी ना चले कि हमने उसके मैसेज को देखे या नहीं देखे, तो आप किस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, जो कि मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ, आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा भी कि इस ट्रिक को कैसे यूज करना है, ये ट्रिक कैसे वर्क करती है। तो आप भी जानना चाहते हैं कि पढ़े हुए मैसेज को ना मतलब वहाँ पे सीन ना शो हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और आप देख रहे हैं अकील फॉर यूट्यूब चैनल। चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप मान लीजिए इंस्टाग्राम से किसी से चैटिंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं उसके मैसेज को पढ़ लूँ एंड उसको पता भी नहीं चले, जैसे आप लोगों को पता होगा मैसेज जैसे हम देखते हैं किसी का तो सीन का वहाँ पर ऑप्शन आता है, जैसे कि पता चल जाता है अगले पर्सन को कि हमारे मैसेज को उन्होंने देख लिया है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को हाइड करना चाहते हैं, आप हिस्ट्री को यूज़ करना चाहते हैं कि अगर आप किसी पर्सन का मैसेज को रीड कर लूँ एंड उसको पता भी ना चले, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ से बैक हो जाना है, और बैक हो जाने के बाद आपको अपने मोबाइल के अंदर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टेंडर। हो सकता है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं हो, मेरे ख्याल से शायद नहीं मिलेगा, तो आप इसको गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप गूगल से डाउनलोड करने में किसी तरह का प्रॉब्लम का फेस करना पड़े तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, मैं ये एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहले आप इसमें अपने अकाउंट को लॉग इन कर लीजिएगा, जो अकाउंट आप इंस्टाग्राम में यूज कर रहे हैं उस अकाउंट को यहाँ भी लॉग इन करेंगे तो आपका बिल्कुल फेस सेम टू सेम इंस्टाग्राम का जैसा यहाँ भी शो हो जाएगा, यहाँ भी अलग डिफरेंट आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं कि मैसेज को मैं रीड कर लूँ एंड उसको पता ना चले, तो इसीलिए आपको नीचे प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना होगा एंड इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर राइट साइड कॉर्नर में यहाँ भी थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंडर सेटिंग के नाम से, तो जस्ट आप इंस्टेंडर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे थर्ड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इसमें लिखा हुआ है घोस्ट मोड, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन सेटिंग मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट ये तीनों यहाँ से ऑफ रहता है, मैं इसको पहले ही यहाँ से ऑन कर लिया इसलिए यहाँ पे ऑन दिख रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे तीनों बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही रहेंगे। तो आपको अगर मैसेज आप रीड करना चाहते हैं एंड उसको पता भी ना चले, तो इसके लिए आपको पहला ऑप्शन को यहाँ से इनेबल करना होगा। आप पहले ऑप्शन को जब इनेबल कर लोगे तो आप किसी पर्सन का मैसेज को आसानी से रीड कर सकते हैं एंड उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उस मैसेज को पढ़ा भी है या नहीं। एंड जो दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड, डिस्प्लेइंग टाइपिंग स्टेटस इनडायरेक्ट, अगर आप इसको इनेबल कर लोगे तो आप किसी वैसे चैटिंग किसी से चैटिंग करते हो तो आपको पता होगा चैट जैसे हम कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ पर टाइपिंग का ऑप्शन आता है, तो इसको इनेबल करने के बाद वो टाइपिंग का ऑप्शन हाइड हो जाए, ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड, डू नॉट मार्क स्टोरी एट सीन, अगर आप चाह रहे हैं कि हम किसी का स्टोरी देखें एंड उसको पता ना चले तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप किसी पर्सन का स्टोरी देखोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा उसको कि हाँ मेरा स्टोरी इन्होंने देखा भी है, तो आप इस ट्रिक को यूज करके आसानी से किसी का मैसेज को पढ़ सकते हैं एंड उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, अगर आप किसी का मैसेज को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर आके उस मैसेज को रीड करना होगा। अगर आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यूज करके मैसेज को रीड करोगे तो उसको 100% पता चलेगा, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर आकर किसी पर्सन का मैसेज को रीड करोगे तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये ट्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप भी जरूर इसको यूज कीजिए और कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा ये ट्रिक आपके साथ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।